अगर किसी को लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहना है तो उसे वेज पुलाव, कड़ी, मूंग बड़ी की सब्जी और रोटी खाना चाहिए। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के टिफिन में देखा तो ये पता चला। शिवराज मंत्रिमंडल की टिफिन पार्टी में सभी मंत्रियों की निगाहें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर से आए टिफिन पर थी कि राजनीति में टिके रहने के लिए आखिर शिवराज सिंह क्या खाते हैं। देश की राजनीति में अपना एक अलग मुकाम बनाने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आखिर खाते क्या हैं कि वे मुख्यमंत्री के रूप में इतने लंबे समय से टिके हुए हैं। शिवराज के खान पान को लेकर हमेशा चर्चा होती है। कल उनके सहयोगी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के टिफिन को देख ही लिया कि आखिर शिवराज सिंह खाते क्या हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों के साथ टिफिन पार्टी की। मंत्री अपने अपने साथ घर का बना खाना लाए थे। सभी ने एक दूसरे को खाना परोसा और साथ बैठकर खाना खाया। सीएम शिवराज सिंह भी टिफिन लेकर प्रकट हुए। टिफिन पार्टी से पहले सीएम हाउस में ही कैबिनेट की बैठक हुई। मंत्रिमंडल की टिफिन पार्टी में कई मंत्री अपनी पत्नियों को भी साथ लेकर पहुंचे थे। सीएम शिवराज सिंह की पत्नी साधना सिंह भी वहां मौजूद रहीं। उन्होंने खुद सभी को खाना परोसा। वे खुद टिफिन पार्टी की व्यवस्था देख रही थीं। मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि आनंद की अनुभूति के साथ टिफिन बैठक हुई। बाद में संगठन के लोग भी इसमें शामिल हुए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और कृषि मंत्री कमल पटेल पास पास बैठे नजर आए। सबकी निगाहें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के टिफिन पर थीं। शिवराज सिंह चौहान के टिफिन से वेज पुलाव, कढ़ी, मूंग बड़ी की सब्जी और रोटी निकल के सामने आए। मंत्री जगदीश देवड़ा गट्टे की सब्जी, मटर पनीर, लापसी, ज्वार की रोटी लाए। विश्वास सारंग मटर की सब्जी, दम आलू, कॉर्न पालक, नमकीन पोड़ी, मिस्सी रोटी लेके आए थे। गोपाल भार्गव पालक पनीर, दाल मखानी, मिक्स वेज, भिंडी की सब्जी, जीरा राइस, रोटी और खीरा लाए। तो राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव भिंडी, पनीर, कस्टर्ड, दाल, सलाद, रोटी और चावल लेकर आए थे। राम खिलावन पटेल जीरा राइस, दाल रोटी, लौकी की सब्जी, पूरन पूरी, टमाटर की चटनी, खीर, तो तुलसी सिलावट ज्वार की रोटी, इंदौर के भुट्टे का केस, भुट्टे के भजिए, पनीर के भजिए और सलाद लेके आए थे। प्रभुराम चौधरी करेला, भिंडी, सलाद, पापड़, बाजरे की रोटी, आम, तो मीना सिंह वेज पुलाव, पनीर के भजिए, कटहल की सब्जी, पूड़ी, पराठा लेके आई थी। उषा ठाकुर भरमा करेला, पराठा, साबूदाने की खिचड़ी, रोटी, तो ओपीएस भदौरिया ने भोजन के बाद सभी को भिंड के पेड़े खिलाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सारे मंत्री मुख्यमंत्री अपने अपने घर से टिफिन लेकर आए थे। टिफिन यहाँ खोले, एक दूसरे को परोसा, इतना खाया कि उठाने के लिए आदमी की जरूरत पड़ गई। आज आनंद के वातावरण में पहले कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई और बाद में हम सब की एक परिवार के हम सब लोग हैं, साथ में प्रेम से और स्नेह से मिलकर प्रदेश की जनता की सेवा और विकास का काम कर रहे। आज सबने अपने अपने घर से, सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, सब अपने अपने घर से टिफिन लेके आए और टिफिन यहाँ खोले, एक दूसरे को परोसा और फिर इतना खाया कि उठाने के लिए आदमी की जरूरत पड़ी। एक तरफ अलग अलग अंचलों का स्वाद, इसमें चाहे मालवा हो, निमाड़ हो, बुंदेलखंड हो, विंध हो, महाकौशल हो, चंबल हो, ग्वालियर हो, भोपाल हो, सारे अंचलों का, शहडोल संभाग हमारा हो, नर्मदापुरम हो, सब संभागों के व्यंजनों का आज हम लोगों ने स्वाद लिया। और ये केवल भोजन नहीं था, ये स्नेह और प्रेम का परस्पर आदान प्रदान भी था और साथ में ये संकल्प भी कि प्रदेश के विकास में और प्राणों से प्यारी जनता के कल्याण में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।